फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक बहुत शानदार लेसन जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह का टॉपिक आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेड टू हेड फॉर क्या इस्तेमाल है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत मजेदार कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आगे को जाना या आगे बढ़ना। लेकिन हम हेड टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो की ओर जाना, और हेड फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो के लिए जाना। लगता है आप समझे नहीं, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। ही वॉज हेडिंग टू टाउन और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज हेडिंग फॉर टाउन। तो फ्रेंड, जब हम कहते हैं हेडिंग टू या हेड टू, तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई इंसान किसी तरफ गया, किसी ओर बढ़ा। जैसे ही वॉज हेडिंग टू टाउन, यानी वह कस्बा की ओर जा रहा था। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस से ये मालूम नहीं होता कि वह कस्बा में गया, बल्कि ये मालूम हुआ वह कस्बा की ओर गया। अब पता नहीं वो कस्बा में गया या कहीं और। लेकिन अगर आप ये कहना चाहें कि वो कस्बा में गया, उसका मंजिल, उसका ठिकाना कस्बा था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज हेडिंग फॉर टाउन, यानी वह कस्बा के लिए गया। उसका जो लास्ट स्टॉपेज था वो था कस्बा। अगर कहीं लिखा हो सी हेडेड टू कॉलेज, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वो कॉलेज की ओर बढ़ी या वो कॉलेज की ओर गई। यहाँ बस ये पता चलता है कि वो कॉलेज की तरफ गई। अब पता नहीं कॉलेज में गई या वहाँ से कहीं और। लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि उसका ठिकाना कॉलेज था, वो कॉलेज में ही गई, तो आप कहेंगे सी हेडेड फॉर कॉलेज, यानी वो कॉलेज के लिए गई, उसका ठिकाना कॉलेज था। ही इज हेडिंग टू कैश काउंटर, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वो कैश काउंटर की ओर जा रहा है या वो कैश काउंटर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको कहना हो कि वो कैश काउंटर तक ही जाएगा, ही इज हेडिंग फॉर कैश काउंटर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हेड टू या हेडिंग टू और हेडेड टू या हेडिंग फॉर का मतलब शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, हेड का एक मतलब रहनुमाई करना भी होता है, यानी नेतृत्व करना या अगुवाई करना होता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली के द्वारा रहनुमाई किया जाएगा या अगुवाई किया जाएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम विल बी हेडेड बाई विराट कोहली, यानी इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली के द्वारा लीड बाई है या रहनुमाई किया जाएगा या संचालित किया जाएगा। अगर आपको कहना हो कि यह टीम मेरे द्वारा रहनुमाई किया जाएगा या मेरे द्वारा लीड किया जाएगा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस टीम विल बी हेडेड बाई मी, यानी यह टीम मेरे द्वारा लीड बाई होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।